आपके मोस्ट फेवरेट शो परदेश में है मेरा दिल की हर लेटेस्ट खबर तो हम आप तक पहुंचाते ही रहते हैं। कोई भी बड़ा ट्विस्ट हो या फिर राघव नैना की जिंदगी से जुड़ी कोई भी खबर, हम उसकी हर अपडेट सीधा पहुंचा देते हैं आप तक। और खुद आप भी इस शो को इतना पसंद करते हैं कि ये शो देखते ही देखते कब अपने 100 एपिसोड पूरे कर गया पता ही नहीं चला। जी हाँ, आपके इस फेवरेट शो के 100 एपिसोड हो चुके हैं पूरे, और इसी कारण हम ले आए हैं आपके लिए उस दिन की याद जब राघव और नैना मिले थे पहली बार। शायद आपको याद ना हो, लेकिन क्योंकि हमारे व्यूअर्स करते हैं इस शो को बेहद पसंद, तो इसी वजह से हम ले आए हैं आपके लिए ये खास अपडेट, ताकि आपकी यादें हो सके ताज़ा। वेल, याद हो तो नैना जब ऑस्ट्रिया आती है तो एक बूढ़े आदमी से टकराती है जिसके हाथ में होती है बियर की बॉटल, और नैना उसको समझ लेती है चोर और अपना सामान उठाकर भागने लगती है। वहीं दूसरी तरफ से आ रहा होता है राघव आइसक्रीम लेकर, और नैना टकरा जाती है राघव से और कहती है कि एक चोर पड़ गया है उसके पीछे। राघव तो हैरान ही रह जाता है कि नैना हिंदुस्तान से है और हिंदी बोल रही है, और नैना की मदद भी करने लगता है। लेकिन जैसे ही उस आदमी से लड़ने लगता है, वो आदमी नैना का पर्स ही वापस कर देता है नैना को, और ये देखकर नैना और राघव दोनों ही हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो आदमी चोर होता ही नहीं है। राघव उस आदमी को चोर समझ रहा होता है और वो आदमी राघव को। भाई अब ये तो कहना बनता है कि इन दोनों की पहली मुलाकात ही काफी ट्रेजिक, और धीरे धीरे हुआ प्यार और फिर आई तकरार, और फिर हुआ प्यार और फिर हो गई तकरार। लेकिन फिलहाल इन दोनों के बीच क्या है ये तो कह पाना और समझ पाना दोनों ही मुश्किल है। वेल, कैसी लगी आपको हमारी ये अपडेट, जरूर शेयर कीजिए हमसे। टॉप न्यूज से आस्था की रिपोर्ट।